अभी मैं अपने को अकेला का महसूस करता हूँ, तो मैं कुछ दिन ज़्यादा मिला हुआ है टाके। अब अभी ये कहते हैं कि अभी तो वो बच्चों में ही खेलता है, पता ना हो गया, ये भी अभी कुछ दिन पहले चर्चा चली थी, तो बच्चों में ही खेलता है वो, तो बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव है और बहुत बढ़िया लगता है, क्योंकि जो एक देखा जाता है कि 4 3 1 डाउन। खबरों की दुनिया से 2400 घंटे सातों दिन हम करते हैं आपको खबरदार। नमस्कार, मैं काना धनगर हूं और इस समय एदमात्र विधानसभा के अंतर्गत ग्राम पंचायत जामपुर में हूं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं प्राथमिक विद्यालय जामपुर है। कहीं ना कहीं अपने जन्मदिन को विशेष मनाने के लिए हर व्यक्ति एक नई पहल की शुरुआत करता है, लेकिन कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत प्रधान जामपुर बॉबी यादव ने अपने जन्मदिन को एक नए तरीके से मनाने का प्रयास किया है। यहाँ पर जो प्राथमिक विद्यालय के छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हैं उनके साथ मनाने की एक मिसाल पेश की है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पर ग्राम प्रधान बॉबी यादव प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के साथ में अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनको टॉफियाँ और पार्ले जी वितरण कर उनका जन्मदिन मनाया है। मैं सीधे बात करता हूं ग्राम प्रधान जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद साहब आपके चैनल का और आपका भी। क्या कैसा महसूस कर रहे हैं अपने जन्मदिन को एक बच्चों के साथ मना रहे हैं? मैं बॉबी यादव, ग्राम पंचायत जामपुर प्रधान। आज राकेश भाई ने, कई पत्रकारों ने, कई भाई लोगों ने मुझे विश किया, तो मैंने सोचा मैंने जन्मदिन कहाँ मनाया जाए, तो मैंने सोचा कि बिस्कुट और टॉफियाँ लेके मैंने कि बच्चों के साथ ही मैंने अपने प्राइमरी पाठशाला के छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने कि इन्हीं के पास बैठूंगा एक और अपने जन्मदिन मनाऊं। हमारे चैनल की तरफ से भी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद, धन्यवाद साहब। कैसा महसूस कर रहे हैं आप आज बच्चों के साथ में जन्मदिन मना रहे हैं? ये लग रहा है टीचर बैठी हुई हैं, कुछ टीचर नहीं आए हैं और बहुत ही बढ़िया लग रहा है कि आप लोग भी आ गए। आपको भी धन्यवाद, टीचरों को भी, सबों ने मुझे विश किया, इसके लिए बहुत बहुत दिल की अनंत गहराइयों से मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ साहब। एक प्रधान है आप, ग्राम पंचायत के प्रधान हैं और प्रधान ग्राम पंचायत का प्रथम नागरिक भी होता है। एक इतने बच्चों के साथ में सेलिब्रेट कर रहे हैं आप, वो कोई सेलिब्रिटी की तरह से केक नहीं काट रहे हैं, फिर भी एक क्या संदेश देना चाहेंगे ग्राम पंचायत वासियों की? मुझे यार 7 महीने हो गए प्रधान बने हुए। मैं ज़्यादातर, अगर मुझे ये लगता है अकेला सा महसूस करता हूँ, तो मैं स्कूल में ही आ जाता हूँ और मैं कम से कम सबसे ज़्यादा मेरे स्कूल में टीचरों के पास ही चक्कर लगते हैं और इनसे पूछता हूँ और इनसे बात भी करता हूँ और बैठता हूँ इनके पास और फिर मैं अपना काम भी देख लेता हूँ। तो जहाँ भी मैं अपने को अकेला सा महसूस करता हूँ, तो मैं स्कूल ही ज़्यादा मेरा वो है टारगेट, कि जहाँ से ज़्यादा मैं स्कूल पे ही वो रखूँ, अपना बच्चों की तरफ ही ज़्यादा ध्यान रख देता हूँ। बच्चों के साथ जन्मदिन मनाकर खुशी महसूस हो रही है? अभी गांव में भी ये कहते हैं कि अभी तो वो बच्चों में ही खेलता है, प्रधान हो गया फिर भी, ये भी अभी कुछ दिन पहले चर्चा चली थी कि बच्चों में ही खेलता है वो, तो पता ही नहीं क्या करता है, कभी बच्चों में बैठा रहेगा, तो बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव है और बहुत बढ़िया लगता है, क्योंकि ये बोलते नहीं हैं और हम कह देंगे वही बात मानते हैं, बड़ों से बड़े बड़े तर्क करते हैं और जवाब भी मांगते हैं, तो इनसे इनसे बहुत लाभ है मुझे। मैं देख भी रहा हूँ बच्चे काफ़ी पसंद भी करते हैं बहुत ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा। एक देखा जाता है कि बच्चे बहुत बच्चे होते हैं वो प्रधान, अब जो अपनी ग्राम पंचायत का प्रधान होता है उसे बात करने में थोड़ा डर सा महसूस करते हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चे आपसे सेलिब्रेट करते हैं जन्मदिन, क्या कहना चाहेंगे? मैं इसी वजह से इन बच्चों के बीच में रहता हूं कि मुझे मालूम है कि बच्चे बहुत ज़्यादा वो करते हैं। मैं निकलता भी हूँ इधर उधर गाँव में, तो बच्चे कहते हैं बॉबी यादव जिंदाबाद, आज भी कहते हैं 7-8 महीने बाद बॉबी यादव जिंदाबाद, बॉबी यादव जिंदाबाद। मैंने भैया अब तो बहुत दिन बाद जाएगा चुनाव, तो बच्चों से बहुत ज़्यादा, और बच्चों से ही ज़्यादातर मैं चुनाव जीता हूँ, मैं आज आपको बता रहा हूँ। मेरे बच्चों ने भी मेहनत की, उनके मित्र थे, उनने इतनी मेहनत की थी गाँव में, पर्चे चिपकाए, वोट भी मांगे, तो इस वजह से मैं बच्चों को ही प्रधान मानता हूँ, मैं खुद को प्रधान नहीं मानता। बचपन याद आता है बच्चों के साथ? बचपन तो नहीं याद आता है, क्योंकि काम और इतने झंझट हैं, इतनी परेशानियाँ हैं, इतना दिक्कतें हैं कि बचपन नहीं याद आ पाता है, आगे का ही काम लगा रहता है कि आगे कुछ करें, बच्चों के लिए करें, स्कूल के लिए करें, गांव के लिए करें, ये ही लगा रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी हमसे बात करने के लिए, जन्मदिन को एक बार पुनः आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जी साहब, धन्यवाद आपको, आपके चैनल को और जो सब मेरे साथ हैं सभी को धन्यवाद, अम्मा आई हुई हैं सभी को धन्यवाद, राकेश भाई को, आपको, काना बघेल जी को, आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी और धन्यवाद आपको। जन्मदिन विशेष मनाने के लिए
प्राथमिक विद्यालय के छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनके साथ में अपना जन्मदिन मनाया है। वास्तव में एक नेता को अपने जो बचपना होता है उसको कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि बच्चे देश का भविष्य होते हैं और बच्चों के साथ में अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट करने में वास्तव में एक प्यार की अनुभूति होती है। कैमरामैन अभिनव धनगर के साथ में कान्हा धनगर, आगरा।